नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पैर फिसल कर गिरने से गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। कर्मी की मौत से पुलिस महकमे में शोक व्याप्त है। अल्मोड़ा जनपद के थाना सल्ट में नियुक्त कांस्टेबल हरपाल सिंह, जो मूल रूप से ग्राम मजरा उधम सिंह नगर निवासी थे, बाथरूम में पैर फिसलने से उनके सर पर गंभीर चोट लग गई और उनका उपचार हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। विधि दिवस कर्मी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिसकर्मी के निधन की खबर से महकमे में शोक व्याप्त है। पुलिसकर्मी के निधन पर SSP अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा सहित पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। पिथौरागढ़ के धारचूला नगर के ऊपर हिस्से में चल रहे सुरक्षात्मक कार्य के दौरान अचानक विशाल बोल्डर गिरने से हड़कंप मच गया। नीचे बनाई गई दीवार पर बोल्डरों के अटकने से नुकसान नहीं हुआ। यदि बोल्डर नीचे पहुंचते तो नुकसान होने की संभावना थी। इस समय कार्यस्थल पर मलबे को आने से रोकने के लिए जिगजैग सड़क बनाई जा रही है। इस दौरान ऊपर से दो विशाल बोल्डर गिर गए। गनीमत रही कि नुकसान पहुंचने से पूर्व बोल्डर दीवार पर अटक जाने से एक बड़ा हादसा टल गया। देहरादून SSP के निर्देशानुसार थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र अंतर्गत बाहरी व्यक्तियों किराएदारों का वृहद स्तर पर अलग अलग टीमें बनाकर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत क्षेत्र में निवास कर रहे बाहरी व्यक्तियों किराएदारों व संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन किया गया। इस दौरान मकान मालिकों के विरुद्ध किराएदारों का सत्यापन न कराने के संबंध में 83 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कुल 30 चालान 3 लाख रुपये का जुर्माना न्यायालय का तथा 52 संदिग्ध व्यक्तियों को थाने लाकर उनसे पूछताछ कर सत्यापन की आवश्यक कार्रवाई की गई। इधर कोतवाली पटेल नगर व डालनवाला क्षेत्र में निवासरत बाहरी व्यक्तियों किराएदारों के सत्यापन के लिए पुलिस द्वारा चलाए गए सत्यापन अभियान के तहत 102 मकान मालिकों का पुलिस एक्ट में चालान कर 10,20,000 रुपये जुर्माना वसूला गया और 73 संदिग्ध व्यक्तियों को थाने में लाकर पूछताछ की गई। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। अल्मोड़ा जनपद में एक कार अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 6 माह के एक मासूम की मौत हो गई और माँ नानी समेत 3 लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार कोटद्वार से पौड़ी गढ़वाल की ओर जा रही एक कार सल्ट के डोटियात के पास अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार में अपनी माँ के साथ सवार 6 माह के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि माँ नानी और चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आपातकालीन सेवा 108 और पुलिस की मदद से CSC देवायल पहुँचाया गया, जहाँ उनकी गंभीर हालत देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। हादसे में 6 माह के अंश नेगी पुत्र दीपक नेगी की मौत हो गई। वहीं किरण पत्नी दीपक नेगी उम्र 23 वर्ष, अमित नेगी पुत्र उमेद सिंह उम्र 32 वर्ष और सरोज उम्र 55 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जांच की जा रही है। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।